और दोस्तों कैसे आप, मेरा नाम अरुण प्रभु, जैसे ट्रैक इन टेक और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों WWDC 2018 एप्पल का जो एकदम फ्लैगशिप इवेंट होता है, जिधर बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं, उधर iOS 12 का लॉन्च हुआ। जी हाँ, और बहुत सारे एप्पल डिवाइसेस पे iOS 12 आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 टॉप फीचर्स जो iOS 12 आपके एप्पल डिवाइसेस के ऊपर लाएगा, तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। दोस्तों हमारे वीडियोस मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले फीचर की तरफ। ये फीचर तो नहीं है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट लाता है iOS 12। जी हाँ, आपके जो एनिमेशंस हैं वो 2 times फास्टर लोड होंगे, आपके जो एप्स हैं वो भी 2 times फास्टर खुलेंगे। 5 seconds में खुलते थे तो अब 2 या 3 seconds में आपके एप्स खुलेंगे। एप्पल ने कहा है कि iOS 12 ओवरऑल ज्यादा स्नैपी और ज्यादा फास्ट है। चलिए बढ़ते हैं अब स्पेसिफिक फीचर्स की तरफ। जी हाँ, जो फोटोज ऐप है iOS 12 में वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, अब क्लासिफिकेशन, सेग्रीगेशन, सर्च, ये एबिलिटीज बहुत फास्ट हो गई है। साथ में शेयरिंग भी अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ होती है, बहुत इजीली आप सर्च कर सकते हैं। और AI में या फिर फोटोज ऐप में आप AI की वजह से For You नाम का एक नया टैब आया हुआ है, जिसमें आपको सजेशंस मिलेंगे। iOS 12 सजेशंस देगा कि भाई एक साल पहले कौन सा फोटो खींचा वगैरह। एंड्रॉइड में ये ऑलरेडी है। एप्पल की सीरी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है iOS 12 में। जी हाँ, अब वो और ज़्यादा एप्स के साथ इंटरैक्ट कर सकती है। इसका मतलब पहले समझिए सिर्फ आपका कैलेंडर या फिर अलार्म, इसके साथ सीरी सेट कर सकती थी, इंटरैक्ट कर सकती थी, लेकिन अब बहुत सारे दूसरे ऐप्स हैं जिसके ऊपर से, सीरी के ऊपर से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको टास्क दे सकते हैं, बता सकते हैं ये करना है। बेसिकली फॉर एग्जांपल आपकी कीज़ खो गई है और आपके फ़ोन के ऊपर टाइल ऐप है जो ढूंढ सकती है आपकी कीज़, बीप कर सकती है, तो वैसे सीरी टाइल ऐप को बोल के प्रॉपरली इंटरेक्ट करके आप सीधा सीरी को बोल सकते हैं फाइंड माई कीज़, और आपकी कीज आपको मिल जाएंगी। और एक बड़ा इंप्रूवमेंट आया है वो है फेस टाइम में iOS 12 में। जी हाँ, अब फेस टाइम जो है iOS 12 में करेगा 32 साइमल्टेनियस यूजर्स को सपोर्ट। इसका मतलब 10, 15, 20 अप टू 32 पीपल एक टाइम पे एक दूसरे के साथ फेस टाइम कर सकेंगे या फिर चैट कर सकेंगे, वीडियो चैट कर सकेंगे, पहले ऐसे नहीं था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग और फनी फीचर है, उन्होंने कहा कि iOS 12 अब आपकी टंग जो है वो ट्रैक कर पाएगा। किस लिए, आपको पता है एनिमोजीज। जी हाँ, एनिमोजीज जो थे पहले टंग को ट्रैक नहीं कर पाते थे, आप कोई भी फेस बनाइए या फिर एक्सप्रेशंस बनाइए तो एक्सप्रेशंस को वो मिमिक करता था, लेकिन अब आपकी टंग भी आप हिलाएंगे तो वैसे आपकी एनिमोजी भी करेंगे। जी हाँ, अब और भी ज़्यादा फनी और सिली फेसेस आप बना सकेंगे एनिमोजी के साथ। दोस्तों iOS 12 के कैमरा में भी एक बहुत ही अच्छा फीचर आया हुआ है, बहुत ही यूजफुल फीचर आया हुआ है, जिसका नाम है मेजर। जी हाँ, आपको क्या करना है, किसी चीज़ का अगर लेंथ या ब्रेड्थ आपको मेजर करना है तो टैप कीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और आपको एग्जैक्टली वो डिस्टेंस बताएगा मेजर करके कि कितना डिस्टेंस है। वो कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन डिस्टेंस कितना है फ़ोन से आपके ऑब्जेक्ट के पास, और वाइड देखेगा, 2 points देखेगा और फिर आपको वो डिस्टेंस मेजर करके बताएगा। दोस्तों एप्पल की एक बात मुझे अच्छी लगती है, बहुत सारे पुराने डिवाइसेस को भी वो सपोर्ट करता है, और वैसे ही iOS 12 का भी है, लीगसी डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट iPhone 5S या फिर हायर जो है सब में iOS 12 सपोर्ट करेगा, उसके बाद में iPad Air को सपोर्ट करेगा, iPad 2 mini या फिर हायर, उन इन सब डिवाइसेस को iOS 12 सपोर्ट करेगा। इसका मतलब iOS 12 का अपडेट इनमें भी आएगा। दोस्तों अब तक iPhone में अगर आप iPhone यूजर से पूछेंगे सबसे बड़ा इशू क्या है, नोटिफिकेशंस। जब ज़्यादा नोटिफिकेशंस हो जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है iPhone पे, लेकिन अब iOS 12 में आपके जो नोटिफिकेशंस है वो ग्रुप्ड दिखेंगे। इसका मतलब WhatsApp से अगर आपको 10 अलग अलग नोटिफिकेशन आएंगे तो अलग अलग 10 नोटिफिकेशन नहीं दिखेंगे, वो ग्रुप हो जाएंगे WhatsApp के जैसे। Android में ये ऑलरेडी है, पिछले साल ही आया हुआ है, और अब आ गया है iOS 12 में भी। दोस्तों iOS 12 लाता है फोन बिहेवियर ट्रैकिंग। इसका मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, Instagram, YouTube पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप लिमिट कर पाएंगे। इनफैक्ट iOS 12 आपको दिखाएगा कि कौन से ऐप पे आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर ज़्यादा कर रहे हो तो वो बताएगा, आप टाइम लिमिट जैसे मैंने कहा सेट कर पाएंगे, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि भाई आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो आपके iPhone के ऊपर, विच एक्चुअली इज़ अ गुड थिंग एंड अ गुड फीचर। दोस्तों और एक फीचर है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही यूजफुल होगा iPhone के यूजर्स को।
iOS 12 लाता है डू नॉट डिस्टर्ब एट बेड टाइम, और वो भी एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि भाई नोटिफिकेशन का आवाज आना चाहिए नहीं आना चाहिए, स्क्रीन के ऊपर दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, क्या क्या आवाज होना चाहिए, तो बहुत डिटेल में आप ये सब सेट कर पाएंगे, जिसकी वजह से रात को सोने के बाद आपको आपके फोन के पास बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आवाज आने के बाद, क्योंकि वो डू नॉट डिस्टर्ब आप सेट कर पाएंगे। दोस्तों और भी बहुत सारे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स आए हुए हैं iOS 12 में, बट मैंने जो आपको बताया वो थे टॉप के 8-10 फीचर्स। जरूर बताइएगा और कौन सा फीचर आपको पता होगा जो मैंने नहीं कहा है, जरूर कमेंट्स में सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों जाने से पहले ये कह दूं कि अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम या ट्विटर पे तो जरूर कीजिएगा, बहुत सारी चीजें हम डालते हैं, बिहाइंड द सीन्स डालते हैं, मैं खुद बहुत सारे मेरे खुद के जो एक्टिविटीज होते हैं वो भी डालता हूं, तो जरूर फॉलो कीजिएगा उधर। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।